नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मुकाबला जो ये मैच कवर करने जा रहा हूँ वो PSL का मुकाबला है जो यहाँ पर खेला जाने वाला है कराची वर्सेस मुल्तान के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि जैकपॉट प्लेयर यहाँ पर कौन सा रहेगा और किस प्लेयर पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो अगर आप इस मैच में कुछ अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करें और आप चाहते हैं कि जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करें उससे दुगुना अमाउंट आपको मिले तो कृपा करके वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हम और भी मेहनत करेंगे। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो पास में घंटा होगा उसको भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि टॉस के बाद लाइनअप के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम होगी या फिर मैं जो भी अपनी टीम्स में चेंजेस करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर और जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताऊँगा। तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट में दे दिया है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और जो सबसे टॉप पर यानी जो सबसे नंबर वन पे लिंक होगी वो हमारे चैनल की है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे उसको दबाएंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो आपको भी जाकर भाई चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले देखिए यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन की तो आपके सामने यहाँ पर आपको तीन पिक नजर आएंगी। रिजवान जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हर एक मैच में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा जो क्लार्क अपने पहले ही मैच में इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे मैच में इन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला। तीसरे हैं वॉल्टन, अगर आज इनको प्ले करने का चांस मिलता है तो इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेंगे इतने क्योंकि क्लार्क वैसे भी हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी नीचे खिसक जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको ट्राई भी नहीं करूँगा। तो देखिए इन दोनों में से आप लोग किसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। देखिए रिजवान तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है तो यहाँ पर मैं इनको पिक करूँगा। जो क्लार्क का यहाँ पर आ जाता है रिस्क थोड़ा सा, पहला रिस्क ये है कि बैटिंग करने आएंगे या नहीं आएंगे, दूसरा रिस्क अगर आते हैं चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो इसलिए हेड टू हेड में मैं इनसे थोड़ी दूरी बना के रखूंगा, मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पर ओनली रिजवान को अपनी टीम में सेलेक्ट करने वाला हूं अभी के लिए। अगर मुझे आगे कोई अच्छा ऑलराउंडर अच्छा बॉलर देखने को नहीं मिलता तो मैं ज़रूर इनको अपनी टीम में ट्राई करूंगा। बैटिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर है बाबर आजम, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नाम आता है क्रिस लिन का, अभी तक टूर्नामेंट में 10 रन से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं पॉइंट्स भी दिखा दूं तो भी आप लोग देखिएगा 10 रन से ज़्यादा रन अभी तक इनसे बने नहीं है इस टूर्नामेंट में, 5-5-2 पॉइंट इन्होंने किए हैं। एक ऐसा प्लेयर ये है जिस दिन चल गया उस दिन वन साइडेड आपको जिता देगा ग्रैंड लीग में भी और यहाँ पे स्मॉल लीग में भी। तो आज मैं अभी तो इनको पिक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जेम विंस को लूंगा। कॉलिन इंग्राम इनकी भी यही दास्ता है, बहुत ही ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी का मौका में दिया जा रहा है और इसीलिए मुझे आज थोड़ा रिस्क भी लग रहा है जो क्लार्क के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि आज जो क्लार्क को बैटिंग के लिए ना भेजा जाए कॉलिन इंग्राम को भेजा जा सकता है तो इसीलिए मैं जो क्लार्क को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ। उसके अलावा सर्जिल खान पिछले मैच में अच्छी ले में नजर आए, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा यहाँ पे एस मकसूद, दो मैचेस इन्होंने बैटिंग का चांस दिया मिला है और दोनों मैचेस में अच्छा इसने परफॉर्म किया तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई करूंगा। लिन की जगह पर एक आपके लिए बेस्ट पिक है क्योंकि लिन जो है वो ओपनर है, अगर कोई ओपनर आउट होता है तो मकसूद के पास एक अच्छा मौका रहेगा कुछ अच्छा करने का। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 4 बैट्समैन को जगह दी है अपनी टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए इमाद वसीम अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकर हैं, परसेंटेज तब भी इनका कम रहता है पता नहीं क्यों। उसके अलावा नबी की मैं बात करूं अच्छे बल्लेबाज हैं और पिछले मैच में 4 ओवर इन्होंने स्पेल करवाए थे अपने तो विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर 4 ओवर की बॉलिंग कराते हैं तो। क्रिश्चियन भी अच्छी बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग से अभी तक टूर्नामेंट में इतना प्रभावित किया नहीं है। कार्लोस बेथवेट बैटिंग से बिल्कुल कमाल ना कर पा रहे हूँ लेकिन गेंदबाजी बहुत ही कमाल की कर रहे हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट हासिल किए। अफरीदी 4 ओवर का स्पेल करवा रहे हैं पर विकेट इनको नहीं मिले तो अभी के लिए यहाँ पर मैं कार्लोस ब्रेथवेट को ट्राई करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं नबी को ट्राई करूंगा जो कि 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आज भी हमें दे सकते हैं और विकेट निकाल के दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग यहाँ पर मैं बात करूँ तो आमिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पिक। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे वकस मकसूद को ले सकते हैं, यामिन पिछले मैच में 1 ही ओवर कराए थे, सोहेल खान 4 ओवर का स्पेल डेथ ओवर में गेंदबाजी लेकिन विकेट इनको हासिल नहीं हुआ, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी इसने कराई है कल के मैच में, अगर आज भी कराएगा तो आज विकेट हो सकता है इसके नाम। तो यहाँ पर मैं कादिर को लूंगा, तनवीर पिछले मैच में खेले नहीं थे तो यहाँ पर मैं अर्शद इकबाल और यहाँ पर एस धनी को अपनी टीम में ले लूंगा। बिल्कुल बैलेंस टीम है ये दोस्तों, बिल्कुल बैलेंस टीम। इस टीम के साथ अगर आप जाएंगे तो लॉस होने का आपका सवाल नहीं उठता है हेड टू हेड में भी और ग्रैंड लीग में भी। बाकी यहाँ पर एक रिस्क यही है कि जो क्लार्क का
इन्हीं का मुझे रिस्क लग रहा है और कोई मुझे यहाँ पर रिस्क नहीं लग रहा है। सेम मैं इसी टीम के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ये दोनों का जल्दी आउट हो जाते हैं तो जो क्लार्क कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो अगर इनकी टीम देखिएगा चेस करती है तो जो क्लार्क जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो जो क्लार्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। तो अभी के लिए मेरी ये टीम रहेगी। अगर मैं बात करूं अपनी इस टीम में किस मैं प्लेयर को कैप्टेंसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टेंसी देना चाहूंगा, तो देखिए कैप्टेंसी आंख बंद करके यहां पर रिजवान को दे दीजिए। बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इस प्लेयर के ऊपर। कल भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, हाफिज से अच्छा इसने बैटिंग किया, कल बहुत ही अच्छा इसने बैटिंग किया। प्लस ये विकेट कीपिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है। उसके अलावा ब्रथवेट एक वाइस कैप्टन के बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये दो LBW तक कर देते हैं तो 66 पॉइंट आपको तो ये ऐसे ही दे देंगे। बाकी अगर इनने 20 से 30 रन तक बना दिए तो आप समझ सकते हैं कि वाइस कैप्टन का एक प्रबल दावेदार है। बाकी यहाँ पर आजम है, ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइस कैप्टन यहाँ पे कार्लोस ब्रथवेट को ही देना चाहूंगा, क्योंकि अगर इनको दो विकेट तक मिल जाते हैं तो ये अपना काम कर जाएंगे। और अगर बैटिंग आ जाती है 10 या 20 रन तक बना देते हैं वो भी 4 छक्के से, तो हमारा ये प्लेयर वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी अच्छा रहेगा। तो ये मेरी टीम रहेगी। आप चाहें तो हमारी इस टीम को यूज कर सकते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टीम को सेव कर देता हूं। एक बार आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रीव्यू ले लीजिए। बिल्कुल अच्छी टीम जो है मैंने क्रिएट की है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। पहला चेंज यहाँ पर यह है कि आप लोग यहाँ पर अरशद इकबाल या धानी में से किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 गेंदबाज के साथ जाके एक विकेट कीपर यहाँ पर जो क्लार्क को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा चेंज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्रेडिट की, तो शायद क्रेडिट प्रॉब्लम आया ना, 2 का क्रेडिट है हमारे पास यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि मकसूद को ड्रॉप करके यहाँ पर क्रिस लिन को ट्राई कर सकते हैं। ये जो चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चेंज जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर धानी या अरशद इकबाल में से किसी को ड्रॉप करके यहाँ पर आप जो क्लार्क को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल 0 क्रेडिट की टीम है। तो ये भी थोड़ी एक अच्छी टीम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ओपनर्स अगर आउट होते हैं तो हमारे पास एक बैकअप के लिए प्लेयर है। इधर से भी 2 ओपनर अगर आउट हो जाते हैं तो हमारे पास बिन्स एक बैकअप है, साथ में दोनों टीम की ओर से एक एक उनका इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ऑलराउंडर लिया है। 2 गेंदबाज इधर के हो गए, कादिर एक स्पिनर हो गया और एक ब्रथवेट हमारा एक फास्टर गेंदबाज हो गया इधर से। तो आप चाहें तो इस टीम के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे इस टीम से बेहतर मेरी पुरानी टीम लग रही है, जो कि बिल्कुल सेफ टीम है आप लोगों के लिए, जो आपका पैसा बर्बाद नहीं करेगी। तो इस टीम के साथ आप लोग जाएंगे, इस बात समझ सकते हैं। बाकी मैंने चेंजेस बता दिए, करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं। बाकी एक बात ज़रूर मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको ये टीम समझाई है कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी अगर हो वीडियो में तो उसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उस चीज़ उस गलती को दोबारा ना दोहराऊं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटा जो है दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोग जहां पर भी प्ले कर रहे हो हमेशा विन करें। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर जो भी मैं चेंजेस करूंगा, बाकी यही मेरी फाइनल टीम हो सकती है, बाकी मैं वाइस कैप्टन को लेकर ही कुछ चेंजेस करूंगा। और अगर आप चाहते हैं आपके पास वो जानकारी पहुंचे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। आपको कमेंट में जाना है, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो आपको उस पर क्लिक करना, सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। 3000 से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे, आपको जाकर वही चैनल ज्वाइन कर देना है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही अर्निंग करते रहें। तो मिलता हूं भाइयों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।